और आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। और आज रात के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट चलने बंद हो जाएंगे। और देश भर से हमें तस्वीरें मिल रही हैं कि कैसे देश भर के लोग 500 और 1000 रुपए के नोटों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये कुछ दिलचस्प तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त देश में कुछ इस तरह का माहौल है और कुछ इस तरह देश के लोग 500 और 1000 रुपए के नोटों को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि अब कुछ घंटों के बाद से ये नोट चलने बंद हो जाएंगे। ये कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि हर गंभीर विषय में व्यंग भी होता है, तो ये उसका एक दूसरा तरीका है उसको जाहिर करने का। दूसरी एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि देश भर के लोग अब अपने अपने CAs को यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फोन कर रहे हैं, और जितने भी देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके फोन अब बजने बंद नहीं हो रहे हैं, लगातार बज रहे हैं। और लोग अब अपने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये कह रहे हैं कि वो अपने पैसे का क्या करें। सरकार के इस फैसले से CAs की डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गई है। 500 रुपए के नोट बदल गए हैं और 2000 रुपए का नया नोट आ गया है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वो है गांधी जी। 500 और 2000 रुपए के नए नोटों में भी आपको महात्मा गांधी की तस्वीर पहले की ही तरह नजर आएगी। ये नए नोट हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन गांधी जी यहां पर भी बने हुए हैं। मध्य वर्ग की महिलाओं की ये अक्सर आदत होती है, आपने भी देखा होगा कि वो हमेशा कुछ पैसे छुपा कर रखती हैं, बचा कर रखती हैं, ये सोचकर कि ये पैसा बाद में मुसीबत में काम आएगा। उन महिलाओं के छिपे हुए पैसे भी शायद आज बेकार हो जाएंगे। और चंदे से चलने वाले कई राजनीतिक दलों में सन्नाटा छा गया है। आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो चंदे से चलती हैं। उन पार्टियों में भी सन्नाटा सा छा गया है। इस फैसले का असर आपको आने वाले चुनावों पर भी दिखाई देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा काला धन चुनावों में खर्च किया जाता है। और इस बार जब चुनाव लड़े जाएंगे, जो कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, वहां पर आपको इस फैसले का असर दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस बार काला धन इस्तेमाल करना चुनाव में मुश्किल हो जाएगा। और इस फैसले का एक और असर यह भी है कि इस वक्त रात के करीब 10:30 बज रहे हैं, इस वक्त लोगों ने ATMs के बाहर जमा होना शुरू कर दिया है। और देखिए लोग क्या कह रहे हैं। हमारी संवाददाता पूजा मक्कड़ आपको बताएंगी कि लोग इस वक्त कैसे पैनिक कर रहे हैं और ATMs के पास जाकर खड़े हो गए हैं। 500 और 1000 के नोट बंद होने का ऐलान होते ही आप देख सकते हैं कि पैनिक की स्थिति क्रिएट हो गई है। ATMs पर इस तरह की लाइंस लगी हैं, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ी चिंता यह है कि कल सुबह ही जब 100 और 200 रुपए की जरूरत पड़ेगी, 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, तब क्या स्थिति होगी। आप अभी यहाँ पर आए हैं, किस वजह से इस वक्त आपको लाइन में लगना? अभी जो अचानक गवर्नमेंट ने बंद कर दिए 500 और 1000 के नोट, तो हमारे पास 4-5 नोट पड़े थे, वो बेकार हो जाएंगे, इसलिए उन्हें जमा कराने आए हैं। आप भी यहाँ पर लाइन में लगे हैं, काफी लंबी लाइन है। आपका फिलहाल कंसर्न क्या है सबसे बड़ा, जिसकी वजह से आज आप यहाँ खड़े हैं? रिसेंटली अभी न्यूज मिली कि 500 और 1000 के नोट बंद हो रहे हैं। मैंने तो आज ही ATM से निकाले थे अपने खर्चे के लिए, तो पता चला कि अब कि आज रात से ही वो नोट बिल्कुल वेस्ट होने वाले हैं, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो मैंने रिसेंटली मैंने कहा कम से कम जमा कर दो कुछ काम जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ATM के बाहर कितनी लंबी लाइन है। कुछ ही देर में इतनी लंबी लाइन, अलग अलग लोग अलग अलग कंसर्न्स के साथ हैं। आप यहाँ पर लाइन में लगे हैं, आपका क्या कंसर्न है जिसकी वजह से आप इस वक्त लाइन में? अब जैसे हम पे घर में काम काज के लिए जैसे नोट पड़े हुए थे, अब उनको जमा करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर अब बंद हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। अभी जो ऐलान किया प्रधानमंत्री ने कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? वैसे तो ये अच्छा फैसला है, लेकिन इतनी जल्दी हो रहा है, इतनी अर्लियर हो रहा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है पैसे कैश जमा करने में। वैसे ठीक है ये, क्योंकि ब्लैक मनी वगैरह वापसी आएगा तो बहुत। ये कहीं चिंता है कि कल सुबह पैसों की जरूरत पड़ेगी, उस वक्त क्या करेंगे, इस तरह का कंसर्न है? बिल्कुल चिंता तो है, बिल्कुल है। इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? इस फैसले को तो प्रधानमंत्री जी देख सकते हैं क्या करेंगे, पब्लिक क्या करेगी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ही देख सकते हैं। आपका कंसर्न इस वक्त क्या है, इस वक्त जो फैसला आया है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और आपका अपना कंसर्न क्या है? इट्स वेरी गुड, एनी थिंग बेटर फॉर द इकॉनमी इज मोस्ट वेलकम। थोड़ा सा कंसर्न ये जरूर है कि कल आने वाली सुबह में जो छोटे छोटे खर्चे होंगे उनको किस तरह से पूरा किया जाए, क्योंकि 100 रुपए की ट्रांजेक्शन जो है उसकी अवेलेबिलिटी उस कदर होगी कि नहीं होगी, दैट्स अ मेजर कंसर्न।
आपको यहाँ पर लाइन दिखा सकते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी लंबी लाइन है और ये लाइन मिनट दर मिनट बढ़ती चली जा रही है। कुछ लोग अपने 500 हज़ार के नोट जमा कराने आए हैं, कुछ एक्सचेंज करने के लिए आए हैं और कुछ इस उम्मीद से आए हैं कि 100 रुपये के नोट इनको मिल जाएँ तो कल किसी तरह से काम चले ताकि कोई भी इमरजेंसी के हालात ना हो। मैम आप यहाँ पर हैं, ये बताइए, अच्छा चलिए आपसे नहीं पूछते, ये बताइए आप इस वक्त जो लाइन में लगे हैं आपका क्या कंसर्न है और इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं? इट्स लाइक हम सारे वर्किंग हैं और अचानक से आके ये मतलब डिसीजन आ गया है, तो मुझे लगता है कि ये लायबल नहीं है, इनको सोच समझ के एक दो दिन का हमें टाइम देना चाहिए था। इमरजेंसी कोटे के लिए हर लोग अपने अकाउंट में पैसे रखते हैं, घर में भी पैसे रखते हैं, अब अचानक से सारे ATM शट डाउन हो जाएंगे तो वेयर विल गो? 100 का नोट कोई नहीं रखता नॉर्मली लोग। जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बैंकों को भी इस फैसले की जानकारी नहीं दी गई है और कल बैंक भी बंद कर दिए गए हैं, ऐसे में लेकिन लोगों का कंसर्न ये है कि अगर पहले से बता दिया गया होता, शायद यही सबसे बड़ा फैक्टर है इस फैसले का कि पहले से बताया जाना नहीं था और इसीलिए इस फैसले को लास्ट मिनट पे लिया गया। बच्चों का पैसा जमा करने आया हूँ कि कल कुछ हो जाए तो कहाँ से हम घर से देंगे, रिसीव किए हुए कोई पता नहीं, लाइन में कब से लगे हुए हैं। आप इस फैसले को किस तरह? मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है, डेफिनेटली वी हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स, बट ये है कि वी शुड अप्रिशिएट द प्राइम मिनिस्टर डिसीजन। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम है और फेस करना पड़ेगा इस चीज़ को, सबको करना पड़ेगा, तो दैट इज़ वाई वी आर स्टैंडिंग इन द क्यू। आप लोग तैयार हैं इस फैसले? कैसे तैयार है, दैट इज व्हाई वी आर स्टैंडिंग है ना, सख्ती के लिए जितना कुछ कुर्बानी एक देश की जनता कर सकते हैं हमेशा किया। डिसीजन आज तक इंडियन हिस्ट्री में नहीं लिया गया है, मोदी तक ऐसा पॉलिटिकल डिसीजन कभी नहीं आया है। मोदी जी ने जो करके दिखाया बहुत ही अच्छा करके दिखाया, मोदी के प्रति हो गए मोदी पूरा आतंकवाद खत्म करा मैम, पूरा आतंकवाद अच्छा करा, 500 हज़ार के नोट बंद कर दे, सारे नकली नोट बंद हो जाएंगे। ATM से निकालेगा 2000 का नोट निकल जाएगा, 2000 के लिए नोट कहाँ कहाँ लेकर घूम जाएगा, उसे नहीं भर जाएगा, पैसा रहते हुए भी आदमी भूखे सब जगह घूमते रह नजर आएगा, इसलिए 500 हज़ार का नोट तो बंद नहीं होना चाहिए। हमारे समस्या अगर बंद हो रहा तो इससे पब्लिक को बहुत भारी परेशानी होगी। बहुत अच्छा कदम मानेंगे हम, अगर नहीं अगर ये सफल नहीं होता है तब तो आम लोगों को परेशानी से सामना करना पड़ेगा। अगर इस इनिशिएटिव से अगर लॉन्ग टर्म में अगर काला धन का ये रुक जाता है ट्रांजेक्शन तो ये बहुत अच्छा कदम है। बड़े बड़े नोट बंद हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, सही है, अगर इस इनिशिएटिव से होता है तो फिर बिल्कुल सही कदम है PM का, अच्छा है। 500 और 1000 का जो नोट बंद हो रहा है इससे तो कालाबाजारी दूर नहीं होगी। कालाबाजारी दूर करने के लिए तो उसके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है। या 5000 या 1000 का नोट बंद करने से अभी आदमी का मान लिया कि 1 लाख रुपया कहीं ले जाना है तो कितना ले जाना पड़ेगा, इसको चालू रखना चाहिए। और सुनने में ये भी आया है कि 2000 का नोट उसके जगह पर बनाया जाएगा, तो 2000 का नोट बनाने से अब बीच में इतनी बड़ी गैप होने से 100 रुपया के बाद 2000 रुपया इसको पब्लिक के ऊपर यह बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। काला धन, काले धंधे, भ्रष्टाचार और नकली करेंसी सहित आतंकवाद, नक्सलवाद और जितने भी आर्थिक अपराध होते हैं उन सब का जरिया बनता है बड़ा नोट। पहली बार एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल दिखाई है, एक बहुत बड़ा साहस वाला ऐतिहासिक काम किया है 500 और 1000 रुपए के नोट पर प्रतिबंध लगा करके। मुझे लगता है कि बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन है नरेंद्र मोदी की सरकार कर सकती है, क्योंकि ब्लैक इकोनॉमी को व्हाइट की दिशा में ले जाने का ये प्रयत्न है और इंडियन इकोनॉमी को उससे बूस्ट होगा और ब्लैक मनी को कंट्रोल होगा। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा होगा कि इस फैसले से सरकार को क्या मदद मिलेगी। अब हम ये तमाम बातें डिकोड करते हैं तो आपको बता दें कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आतंकी और ड्रग तस्कर काले धन का इस्तेमाल करते हैं, नकली करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, इस पर ये कदम उठाने से रोक लग जाएगी। दाऊद इब्राहिम जैसे जो आतंकवादी हैं वो कंगाल हो जाएंगे। हमारे देश में ऊंची वैल्यू वाले नोटों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में डोनेशन देने में और रियल एस्टेट में होता है। बड़े नोट चलन में नहीं रहेंगे तो लोग ये काला धन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि इससे काले धन, करप्शन और आतंकवाद से लड़ने में मदद कैसे मिलेगी?
तो इसका जवाब है कि भारत में अभी जितनी रकम चलन में है उनमें 500 और 1000 के नोटों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। ऊंची वैल्यू वाले नोटों का इस्तेमाल करना अपराधियों के लिए बेहद आसान होता है। काले धन के तौर पर इन नोटों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होता है, इस पर लगाम लगेगी। और आपने अक्सर देखा होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जब आप सीट खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में लोग उसमें कैश देते हैं डोनेशन के तौर पर। ऐसे डोनेशन अब बंद हो जाएंगे या इन्हें देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत में शैडो इकोनॉमी यानी छंद अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी चुनौती है और ये अर्थव्यवस्था काले धन और ऐसी रकम को मिलाकर बनती है जिसका कोई हिसाब किताब होता ही नहीं। सरकार के इस कदम से ये शैडो इकोनॉमी अपना काम नहीं कर पाएगी। वर्ल्ड बैंक की 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2007 तक भारत की अर्थव्यवस्था में इस शैडो इकोनॉमी का हिस्सा 23% तक था, जो लगातार बढ़ रहा था और अब तो और भी बढ़ गया होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक हाई डिनोमिनेशन यानी ऊंची वैल्यू वाले नोट अपराधियों को लुभाते हैं और वो अपनी सारी ट्रांजैक्शंस इन्हीं नोटों के सहारे करते हैं। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि सरकार के इस फैसले के बाद अब क्या असर पड़ेगा। पहली बड़ी बात यह है कि इससे देश में भ्रष्टाचार घटेगा, रिश्वत लेना या देना मुश्किल हो जाएगा। नंबर दो में डोनेशन देना या लेना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत जगह स्कूलों में डोनेशन दिया जाता है, कॉलेजेस में मेडिकल सीट्स को खरीदने के लिए डोनेशन दिया जाता है और वो सारा नंबर दो में होता है, यानी नंबर दो में जो भी काम आप करते हैं अब वो मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात, काला धन जिसके पास भी रखा है अब बेकार हो जाएगा। हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे अब 500 और 1000 के नोटों को आपको श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी, ये पैसा बेकार हो जाएगा। तीसरी बात, जाली नोट जो चल रहे हैं इस वक्त बाजार में उन पर रोक लगाने में आसानी होगी। जितने भी जाली नोट हैं इस वक्त नकली नोट हमारी अर्थव्यवस्था में, वो भी बेकार हो जाएंगे। चौथी बड़ी बात, आतंकवाद को फंडिंग बंद होगी क्योंकि ज्यादातर मौकों पर हवाला के जरिए इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवादियों की फंडिंग के लिए किया जाता है। और पांचवी बड़ी बात यह है कि हथियारों की तस्करी रुकेगी, यानी जो आतंकवादी नक्सली काला धन और हवाला की मदद से हथियार खरीदते हैं या ऐसे पैसों का इस्तेमाल करके हथियार उन तक पहुंचाए जाते हैं उस पर भी रोक लग सकेगी। खास तौर पर कश्मीर जैसे इलाके जहां पर हवाला के जरिए जो पैसा आता है, जो कि इल्लीगल तरीके से जहां पैसे को इस्तेमाल किया जाता है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, वहां पर काफी मदद मिलेगी। आपको इस बात की शायद जानकारी ना हो कि दुनिया भर के टैक्स हेवन देशों में करीब 6 से 7 खरब डॉलर यानी करीब 3,985 खरब रुपए से 4,650 खरब रुपए की रकम ब्लैक मनी के तौर पर मौजूद है। ये इतनी बड़ी रकम है कि आप हाथ से अगर इसको लिखना शुरू करेंगे तो आपके हाथ दुख जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक इनमें से भारत की हिस्सेदारी 152 से 181 अरब डॉलर यानी करीब 100 से 120 खरब रुपए है, यानी दुनिया के कुल ब्लैक मनी में भारत का योगदान 2% से भी ज्यादा है। यह आंकड़ा बैंक ऑफ इटली के 3 वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने पेश किया है। उनका मानना है कि यह रकम तो सिर्फ वो है जो शेयर्स, डेट सिक्योरिटीज और बैंक डिपॉजिट्स के तौर पर निवेश की गई है। रियल एस्टेट, गोल्ड या कला के क्षेत्र में निवेश की गई भौतिक संपत्तियों का आकलन कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो हमने आज आपके सामने ये विश्लेषण करने की कोशिश की। हम आपको लगातार कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि व्यंग्यात्मक तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास पूरे देश से, और अगर मैं कोशिश करूंगा आपको फिर से वो तस्वीरें एक बार दिखा दूं कि देश भर के लोग, अगर व्यंग की हम बात करें, हालांकि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन देश भर के लोग कैसे 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये कुछ दिलचस्प तस्वीरें हमारे पास हैं कि अब इन नोटों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जाएगा। आखिरी कुछ घंटे बचे हैं 500 और 1000 रुपए के नोटों के।